जय हिंद दोस्तों, यूट्यूबर विवेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त विवेक। तो कैसे हो आप लोग? मस्त जबरदस्त। तो उम्मीद करता हूँ सभी मजे कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को तो एक न्यूज़ मिल ही गई होगी नेहा धूपिया की, जो कि इस वक्त यूट्यूब पर काफ़ी तेज़ी से वीडियो वायरल हो रही है। हमको उम्मीद है दोस्तों आप नेहा धूपिया को तो ज़रूर जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के बाद आपको मालूम चल जाएगा नेहा धूपिया कितनी संस्कारी और कितनी सुशीलतापूर्वक एक लड़की है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए, बस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि यूट्यूबर विवेक के चैनल पे इतने दिनों पे वीडियोस क्यों आ रहे हैं। उसका रीज़न था एग्ज़ाम, जो कि ख़त्म हो चुका है, और सेकेंड रीज़न था गेमिंग चैनल। हमको उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने मेरे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा, नहीं किया तो कोई बात नहीं, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फर्स्ट लिंक पर क्लिक कीजिए, मेरे गेमिंग चैनल को सपोर्ट कीजिए। जितना प्यार आप लोगों ने इस पर दिया, उतना ही प्यार आप लोग उस पर दीजिएगा। तो दोस्तों, आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि नेहा धूपिया की जो वीडियो वायरल हो रही है इस वक्त यूट्यूब पर, जिसमें वह अपनी संस्कारी लफ्ज़ों से, मतलब जिस व्यक्ति को वह प्रवचन सुना रही हैं, वह व्यक्ति कौन था? तो YouTube पे जो वीडियो वायरल हो रही है उसको तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्टली समझाऊँ तो शायद आपको समझ में ना आए, इस इधर से गुस्सेगा इधर से निकल जाएगा। तो पहले आप वीडियो देख लीजिए, फिर मैं बात करता हूँ। तो ये देखिए, अगर वो वहाँ जाके चीट कर रही है, मे बी शी वाज फीलिंग थ्रेटन्ड बाय यू, maybe you are not providing physically, mentally, emotionally, whatever she needed. Don't say ki main sab karta tha. Nobody gives you the fucking right. Nobody gives you the fucking right to slap a girl. तो देखा दोस्तों आपने, यह वह संस्कारी लड़की है जो कि एक संस्कारी लफ्जों से एक व्यक्ति को काफी अच्छे लफ्जों से प्रवचन सुनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन आप लोगों के मन में एक क्या क्वेश्चन बन रहा होगा कि यह प्रवचन इसको क्यों सुनाया जा रहा है? शायद आपको अभी डिटेल में मालूम नहीं चला होगा, तो भाई देरी किस बात की, पहले आप पूरी वीडियो तो देख लीजिए। जब मुझे पता चला था शी चीटिंग ऑन मी, और साथ में पांच और बॉयफ्रेंड्स थे उसके, पांच और, आई फाउंड आउट, सबको एक साथ खड़ा किया लाइन में और लड़की को लेके आया। इट वाज अ इंपल्सिव डिसीजन, मैं और भी कुछ कर सकता था, पर मैंने फिर उसको चाटा लगा दिया, बिकॉज जो वो कर रहे थे वो बहुत गलत था। उसके फैमिली के साथ बदनाम कर सकते थे? नहीं, मैं सिर्फ ये बदनाम नहीं करना था सर, खाली ये बोलना था कि बस चूती टास्क करना, उनकी बात का आंसर दे मेरे को, उनसे लेने देना, तू टास्क कर अपना, सीधी कर एल्बो, एल्बो सीधी कर ना, सीधी कर, ऊपर कर। ये जो तू बोल रहा है ना, एक नहीं पांच लड़कों के साथ गई थी, सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल। का दोस्तों आपने, हमको उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ छोटी छोटी बातों को डिटेल में समझ में आ रही होगी, लेकिन रुको रुको, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, उसके बाद जो हुआ वो शायद देखने के बाद आप लोगों को पूरी कहानी समझ में आ जाए। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप लोगों ने क्या सोचा? नहीं मतलब कि सारे यूट्यूबरों को सर सोचे होंगे कि भाई वीडियो के बीच में इंटरफेयर करके बोलेगा, दोस्तों प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो ये महिला है, मतलब अपना ओपिनियन दूँ पहले, नहीं तो आपको डिटेल में यहाँ, मतलब जितना आपको समझना था समझ लिया, अब थोड़ी सी मेरी समझ लीजिए। तो मतलब नेहा धूप अगरबत्ती का कहना है कि जब भी कोई लड़की, कोई किसी भी लड़की, इंडिया की किसी भी नारी, कोई भी नारी कम से कम 5, 10, 20, 25 बॉयफ्रेंड बना के रखे, ताकि उसका हर महीने आईफोन 11 प्रो, आईफोन 1 प्लस, मतलब नए नए फ़ोन उनको मिलता रहे, ले जा कर के कभी इस होटल में, कभी उस होटल में रेसिपीज़ वगैरह खाने के लिए। मतलब जो लड़कियां होती है ना, मतलब लड़कों को जिस प्रकार यूज़ किया जाता है, मैं समझ रहा हूँ कि क्योंकि नहीं, उस नियर से मत देखो, अपन सिंगल ही से, और कभी मिंगल होने को सोचा भी नहीं, और कभी मिंगल होना भी नहीं है, ठीक है। और रहेगी बात यह बोलने का रीज़न, क्योंकि भाई आजकल की जो 90% लड़कियां हैं ना, सिर्फ धोखेबाज हैं और आपके पैसे के पीछे भागेगी, और 10% जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो छुट्टी पड़ी हैं, उन पे भी भरोसा मत करना। हम तो साले 100% लड़कियों को हम यही कहेंगे कि जितनी भी 100% लड़कियाँ होती है, सिर्फ आपके पैसे के पीछे और आपके खूबसूरती के पीछे भागेंगी, नहीं तो भाई आजकल के ज़माने में कौन किसको पूछता। और भाई अगर सिंगल हो ना तो सिंगल ही रहो, मिंगल बनने की कभी कोशिश मत करना, नहीं तो कल के दिन आज ये रो रहा है, कल के दिन तुम रोगे। तो दोस्तों आप लोगों को फालतू की बातें करके आप लोगों का टाइम नहीं व्यर्थ करना चाहूँगा, आप लोगों को मैं डिटेल में समझा दूँ, थोड़ी सी हिंट दे दूँ कि यह पूरे मामला क्या है एक शॉर्ट स्टोरी में। तो दोस्तों नेहा धूपिया जिस व्यक्ति को डांट रही है, वह व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड को एक थप्पड़ मार दिया था। अब क्यों मारा था, उसका रीज़न क्यों था, क्या कि वह लड़की ऑलरेडी 5-5 बॉयफ्रेंड यूज कर रही थी, 5-5 लड़कों को अपने बॉयफ्रेंड बना के रखी हुई थी।
तो अब उम्मीद है आप लोगों को कहानी समझ में आ गया होगा। लेकिन यह गाली क्यों दी? अब आप लोगों के मन में एक और क्वेश्चन आया होगा, यह गाली इसलिए दी क्योंकि यह व्यक्ति उसको, मतलब यह जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, वह व्यक्ति अपने गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारा। और क्यों मारा? क्योंकि उसने 5 बॉयफ्रेंड रखे थे। मतलब नेहा दूफिया का कहना है कि तू लड़की है, वो 10 बॉयफ्रेंड रखे, उससे तुमसे क्या लेना देना? मतलब कुछ भी हम मिला जुला के लड़कों की ही ले जाती है हर टाइम। तुम लोग लड़कों को समझते क्यों? हमको ये नहीं समझ में आता। खैर छोड़ो इन सब बातों को, उसके आगे की वीडियो देखते हैं कि लड़की का एक्सपीरियंस क्या रहता है, लड़की का ओपिनियन क्या रहता है जब उससे यह क्वेश्चन किया जाता है। तो ये देखिए, वो है जिनको मैंने मारा है। तो किसने कुछ कहा था? हाँ, कुछ ना मतलब होता है कि रिलेशनशिप में आप कुछ भी कर देते हो और कुछ भी बोल दोगे। कैसा लगा मारने के बाद? मजा आया था? तो देखा दोस्तों, अब मुझे मालूम है कि आप लोगों के मन में हजार गाली उत्पन्न हो चुकी है। रुको, अभी उसको निकालने की कोशिश मत करना। जाना छत पे, किसी छत के किसी कोने में बैठ के जितनी भी गालियाँ होगा दे देना। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यहाँ पे कौन गलत है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और रहेगी नेहा दूफिया की बात, तो नेहा दूफिया तो भाई यहाँ पे गलत है। और यह जो लड़की है, इसका कहना है कि मैं 5 बॉयफ्रेंड 10 बॉयफ्रेंड जितना भी रखूँ, तुम्हें उनसे क्या लेना देना? मुझे तो हर महीने आईफोन 11 चाहिए, हर महीने एक नया फ़ोन चाहिए, एक नए नए होटल का रेसिपी टेस्ट करना है। तो मतलब लड़कियाँ जो होती हैं, हर एक लड़कियाँ सही नहीं होती, गलत होती है। तो प्लीज़ ऐसे सब लफड़ों में कभी पढ़ना मत। और रह गई बात नेहा दूफिया की, तो कल के दिन जब इनकी बेटी जब पैदा होगी, तो यह अपने बेटी को यही संस्कार देंगी कि जा तू 10-20 बॉयफ्रेंड बना कर के ला, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब 10-20 बॉयफ्रेंड बनाए चाहे ठुकाए, हमसे उससे तुमसे कुछ लेना ही देना नहीं। बस जो भी हमको लगता नहीं कि शायद कल के दिन उसकी बेटी वगैरह का कभी कुछ शादी होगा। जाहिर सी बात है, कौन चाहेगा अभी RNDI से शादी करना? सीधी बात नो बकवास, आई एम बहुत संस्कारी लड़का, हमें गाली गलौज तो आता नहीं कि हम गाली गलौज बनाए, मैं इन लोगों को रिप्लाई दे गाली गलौज दे करके इन लोगों पर वीडियोज बनाए, ठीक है? तो फालतू की बातें करने से क्या फ़ायदा? जाओ मेरे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब करो, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और कोई वीडियोज़ वगैरह हो जैसे लगता है कि हाँ भाई यह वीडियो गलत है, तो इंस्टाग्राम पे DM करो, उस वीडियो पे मैं तुम्हारा भाई रिप्लाई देगा। जिस पे कोई वीडियो नहीं बनाता, हम पब्लिक की सुनेंगे, ठीक है? पब्लिक जो बोलेगी हम उस पे वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय श्री राम, टेक केयर।